लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। ट्रेन के नीले रंग के डिब्बों को देख देख कर बोर हो चुके यात्रियों को अब डिब्बों का नया रंग रूप देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ट्रेन के डिब्बों को वर्ल्ड क्लास लुक देने की तैयारी में है। भारतीय रेलवे बहुत जल्द ही पूरे देश में अपने रंग रूप को बदलने जा रही है। रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी ट्रेनों के डिब्बों को आकर्षक बनाने के लिए नए कलर शेड में रंग कर वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग से मशवरा करने के बाद 6 ICF कोच को नए रंग में रंगा गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल को बुधवार को इस नई कलर स्कीम को दिखाया गया था। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इन रेल डिब्बों को नए रंग में देखा और रेलवे अधिकारियों को सलाह दी। रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में चलने वाले सभी रेल डिब्बों को नए रंगों में रंग जाएगा, इससे रेलवे को और ज्यादा आकर्षक बनाया जा सकेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आई 6 कलर स्कीम वाले डिब्बे में से रेल मंत्रालय सिलेक्ट करेगा कि कौन सी स्कीम को लागू किया जाए। रेल मंत्री ने रेल अधिकारियों से बात की और कहा कि पूरे देश में रेलवे के लोग को बदलने और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए उनका मंत्रालय प्रयासरत है। रेलवे में तकरीबन 50,000 सवारी डिब्बे हैं। इन सभी डिब्बों को तय किए गए कलर स्कीम के मुताबिक रंगा जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने ट्रेन के डिब्बों के रंग बदलने की मुहिम को काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने रेल अधिकारियों को कलर स्कीम के बारे में कई सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई कलर स्कीम में तिरंगे को भी जगह दी जाए, जिससे लोगों में देश प्रेम की भावना जगेगी। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे यात्रियों के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहा है। ऐसे में रेल के डिब्बों के रंग बदलने का सुझाव मंत्रालय को पसंद आया है। रेल अधिकारियों ने इसके लिए काम भी करना शुरू कर दिया है।